Hey everyone, welcome back to my channel Livnity Tarot's Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 7 दिन किस तरह से रहने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो इस 7 डेज में हम देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव हो सकता है। ठीक है, इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, सो आप कभी भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट 7 डेज तक वो वैलिड रहेगा। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह के इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के बदलाव वो फेस कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स विद इन द नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। वी डू हैव एज अ सन ऑफ द स्टार्स, वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ स्टाफ। ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्टाफ। ओके, वी डू हैव 7 ऑफ कॉइन्स। 7 नंबर तो यहाँ पे रियली सिग्निफिकेंट है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, राइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके नीचे है मलिका ऑफ कॉइन्स। ठीक है, हम दूसरे डेक से भी देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 डेज क्या बदलाव, क्या चेंजेस, क्या इम्प्रूवमेंट्स। बार बार ना मेरे मन में एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, वो है इम्प्रूवमेंट, वो है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सुधार, कुछ चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस, ये मेरे कान में बज रहा है। ओके, वी डू हैव एज अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ओके, वी डू हैव द मून। ओके, We do have unique cards here, 6 of swords. यहाँ पे है 6 of cups. We do have the 8 of wands. Okay. 9 of swords. The fool card. अब आ चुका है, थोड़ा सा मैं कार्ड को अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग टू यू पीपल। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली, आई होप यू कैन सी इट राइट। ओके, ठीक है, यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एज अ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कार्ड वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है। ओके, सो फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन आर ऑल हियर। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 4, 7, 7, 7 तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 6, 6 इम्पॉर्टेंट है, 8 इज इम्पॉर्टेंट, 9 इज इम्पॉर्टेंट, 10 इज इम्पॉर्टेंट, बट बेसिकली इम्पॉर्टेंट तो 7, 7 और 6, 6 ही आ रहा है। ओके, 4 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड यू सी ऑफन 11, 11 या 444 आप देखते हैं, 777 देखते हैं, 17 देखते हैं आप। ठीक है, ओके, किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7 या हो सकता है 6, 4 या हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड कि विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी हिम्मत जो है तारीफ लायक होगा। आप ऐसी हिम्मत करेंगे, ठीक है, कि आप कोई भी ऐसे सिचुएशन से पास कर जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 7 डेज जिसके विषय में
आप काफी गहराई से चिंतित हो, काफी गहराई से आप अपने दिमाग को क्यों पकड़ रहे हो, इतना प्रेशर प्रेशर काय को ले रहे हो आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास यदि काफी ज्यादा ऑप्शंस है, सो यूज योर इंटेलेक्ट टू चूज देम। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खाने का ऑप्शंस है, मे बी इंडियन, मे बी चाइनीज़, मे बी वट एवर मेडिटेरेनियन, वट एवर बेट इज, ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज चूज वट एवर वी लाइक। हमारे प्लेटर में काफ़ी कुछ हो सकता है ना, बट हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे। वी शुड सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम सो दैट वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ कन्फ्यूशन, कुछ डिजीनेस होता है आपको, कभी कभार आपको लगता है कि आप बेहोश हो जाएंगे, इतना ज़्यादा आपके पास काम आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं। सो आई डू फाइंड द मेजर थिंग विच इज़ गोना हैपन, जो होने वाला है वो इस तरह से है कि आप ऐसे कोई स्टेप लेने वाले हैं, ऐसा कोई बोल्ड, ठीक है, मूव लेने वाले हैं जो मे बी ऐसा कुछ कदम, ऐसा कुछ ठोस निर्णय आप लेने वाले हो जो बाकी लोगों को ऐसा वो लोग चौंक जाए, अरे ये कैसा ऐसा निर्णय ले लिए। मे बी यू थिंक ऑफ गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू योर डिज़ायर्ड प्लेस, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ट्रांसफ़र मांगा था कंपनी से कि यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, यहाँ पे मुझे काम नहीं करना है, आई वॉन्ट टू गेन मोर एक्सपीरियंस, मुझे और भी तजुर्बे की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो लोग आपको ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं। हो सकता है कि मंडे से आप कोई दूसरा ब्रांच में आप शिफ्ट हो, या दूसरा डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो जाए, या आपकी रीलोकेशन हो सकती है, या आपकी माइग्रेशन हो सकती है, या एम्बेसी से आपके लिए कॉल आ सकता है, या अर्जेंट कॉल के वजह से आपके बिजनेस पार्टनर आपको बुला सकते हैं। समवेयर आई कैन फाइंड अ ट्रिमेंडस चेंज कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ वेरी मच श्योर, ठीक है। एक ठोस, तो ऑफकोर्स एक ठोस निर्णय तो आप लेंगे ही लेंगे, अपने करियर के लिए हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, हो सकता है कि आप पूरी तरह से फिडअप हो चुके हैं, नहीं मुझे नहीं करना है और मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है। आई डू फाइंड लाइक दैट, मुझे अगर खुद ही इतना जॉब करना है, मुझे इतना ही मेहनत करना है, तो मैं क्यों अपना ही कुछ ना खोलूं, ठीक है। व्हाई शुडंट आई सेट अप माय ओन कंपनी, माय ओन एंटरप्राइज, व्हाई शुड नॉट आई डू सो। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, कुछ ट्रैवल यहाँ पे डेफिनेटली नेसेसरी है, चाहे विद इन द सिटी हो, विद इन द स्टेट हो, या स्टेट टू स्टेट हो, या सिटी टू स्टेट हो। वीकेंड्स में आपकी ट्रैवल हो सकती है कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, आई डोंट नो विच इज़ दैट प्लेस बट आई डू फाइंड, ठीक है, हो सकता है कि कोई पब हो, कोई नाइट क्लब हो, कोई डिस्क हो, या ऐसे कोई रिसेप्शन हो किसी का तो कोई ऐसा इवेंट ज़रूर होने वाला है जहाँ पे लाइट्स ही लाइट्स होंगे। आई डोंट नो वेयर इज़ दैट प्लेस, मे बी अ कंसर्ट, ठीक है, मे बी अ सिंगिंग शो, मे बी अ डांस इवेंट, कुछ भी जहाँ पे मास गैदरिंग हो, मतलब बहुत सारे पब्लिक वहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है वीकेंड्स के टाइम पे ज़रूर हॉन्टेड मूवीज़ देखेंगे और देख के डर जाएंगे रात के समय पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लगेगा, या आपने कुछ ऐसा सपना देख लिया होगा जो आपके पूर्व जन्म से रिलेट करता है, और वो सपना मुझे दिख रहा है बहुत दिनों से ही आप देख रहे हैं, रिपीटेड कुछ ऐसा सपना या पैटर्न सब कुछ देख रहे हैं जो मोर और लेस सिमिलर हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कमिटमेंट को लेके एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब आप किसी को प्यार करते हैं ना, सो वो प्यार आप महसूस करते हैं किसी और की शरीर पे, दैट इज़ अ वेरी ट्रू फैक्ट, यू नो, आप प्यार तो करते हैं लेकिन आपकी प्यार जो है वो आपकी जो एहसास है वो दूसरे के शरीर में आप करते हैं, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे वो इंसान की कमिटमेंट को लेके एक क्वेश्चन आपके माइंड पे हो सकता है कि चले रात के समय पे, एंड यू स्टिल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि क्या करना है, क्या निर्णय हमें लेना है। और मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days आपके वर्क लोड भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऑफिस में एब्सेंटिज्म के
ऑफ कोर्स कोई आदत पड़ जाए उनको या वो लीव लेके चले जाए, लॉन्ग लीव लेके चले जाए, तो उनके जगह पे आपको काम करना तो पड़ेगा, लेकिन कंपेंसेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। विद इन द नेक्स्ट 7 days कुछ लोग फ्री केयर फ्री होके कुछ नया प्रोजेक्ट्स के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग न्यू विच इज़ वेरी मच न्यू, जो पहले आपने कभी नहीं किया था वो स्टेप आप लेने वाले हो। मैं तब से तो बोल ही रही हूँ, ठीक है। एंड आई डू फाइंड दैट वो जो काम आप कर रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए मतलब फॉर योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर योर ओन मेंटेनेंस, फॉर योर ओन ग्रोथ, अपने तरक्की के लिए कर रहे हो, अपने ही जिंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है आपका कुछ रिजल्ट का, कुछ आपने जो मेहनत कर लिया है उसका, रात जाग के जो आपने किया है। इस पेड़ को देखो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इंतज़ार है कि ये जो फूल है, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि फूल क्यों गिर रहे हैं, तब फल कब होगा। आपने मेहनत तो किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने इस पेड़ को तो ठीक है मजबूत बनाया, वो अभी बहुत बड़ा हो चुका है, बट फल कब आएगा, कब मैं यहाँ से कमाऊँगा। सो एक्सपेक्टेशंस इट्स ओके, बट टू मच एक्सपेक्टेशंस इट्स नॉट ओके। सो यू शुड ऑलवेज गिव टाइम, थोड़ा सा समय दे दो, ठीक है। एंड अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे बोलोगे नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ सही नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट वर्थ इट, मैं लायक ही नहीं हूँ, तो यूनिवर्स भी ऐसा माना जाता है कि आपकी बातों को सुनते हैं। एंड देन ऑल्सो यूनिवर्स एक्ट इन दैट मैनर, क्योंकि आप जानते ही है हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो एक मिरर की तरह है, जैसे आप शो करोगे वैसे ही वो आपको रिपीट करेगा, ठीक है। आप वहाँ से मिरर से थोड़ा सा हट जाओगे, वहाँ पे कोई भी नहीं है। सो बेसिकली इफ़ यू आर कीपिंग keeping you can say that these things in your mind and you keep saying that कि नहीं मैं लायक नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, सो ऐसा होना अनिवार्य हो जाएगा फिर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कोजी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बात करने वाले हैं, रात बीत जाएगा, बात ख़त्म नहीं होगा। एंड इफ़ यू आर हस्बैंड वाइफ, यू आर मैरिड टू ईच अदर, सब लोग बोलते हैं दी प्लीज़ बताइए मैरिड लोगों के लिए, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वीकेंड्स में हो सकता है कि आप थोड़ा सा पोस्टपोन करोगे, नहीं हमें थोड़ा नहीं जाना है, हम यहाँ पे घर में बैठते हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े से गप्पे शप्पे मारते हैं, तो रिलैक्स्ड एटमोसफेयर एट होम आई कैन फील इट। सो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप बाहर का फूड भी ऑर्डर करें और आप घर भी खाना ना बनाएं, स्पेशली ड्यूरिंग द वीकेंड्स, एंड यू थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो, अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो उनको लग सकता है कि हम तो हर रोज़ खाना बनाते ही है, तो बेसिकली लेट्स ऑर्डर फूड, सो यू विल एन्जॉय द प्राइवेसी विद योर पार्टनर वेरी मच ड्यूरिंग द वीकेंड और एनी ऑफ द डेज और द नाइट, ओके। सो बेसिकली एक कैंडल लाइट डिनर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सम ऑफ यू विल ऑप्ट आउटसाइड ऑल्सो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे कपल्स ऐसे घर में ही बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कुछ लोगों के लिए, मे बी आप हो सकता है कि आपने जो पुराने जो यादें हैं उसको ताज़ा करने के लिए, ठीक है, फिर से आप लोग उस जगह पे विजिट करें जहाँ पे आप पहली बार मिले थे, हो सकता है यू मेट दैट पर्सन ऑन दैट प्लेस, मेरे मुँह से निकलते ही जा रहा है, टुडे आई एम इन मच फ्लो, ठीक है, एंड हो सकता है कि वही रेस्टोरेंट, वही क्लब, वही कैफ़े, वही शॉप, वो आप लोग अपने जो यादें हैं उसको ताज़ा करें। एंड अगर आप ऑनलाइन कनेक्शन में थे, मतलब ओवरसीज डिस्टेंस है या आपके पर्सन जो है आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, सो आई डू फाइंड कि और शी विल सेंड यू फोटोग्राफ्स, ठीक है, कि कौन सा दिन क्या हुआ था, ठीक है, और वो आप मतलब खुद का फ़ोटोज़ वो भेजेंगे आपको, हो सकता है कि वो कहीं पे गए होंगे और वह उस जगह का फ़ोटोज़ आपको भेजेंगे ताकि आप चिंता ना करें, उस तरह से मुझे केयर अटेंशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल गेट कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ, ऐसा बोला जाता है हायर सेल्फ, बट ये हायर सेल्फ होता क्या है,
हायर सेल्फ मतलब इट्स अ बेस्ट वर्जन ऑफ यू, आपका जो बेस्ट वर्जन है, ठीक है, मतलब आपकी बेस्ट इमेज जो है, आपकी जो एकदम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचने वाला जो इमेज है, जो छवि बन जाता है, ठीक है। सपोज सेलिब्रिटीज़ हैव रीच्ड अ हाइट, उनका एक नाम बन गया है, उनका एक रेपुटेशन बन गया है, उनका एक फेम बन गया है, उनको लोग सब लोग पहचानते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ डांसर्स। आपके भी बेस्ट वर्जन जो है आप बनने की कोशिश करेंगे, आप अपने सोल को, देखिए विल यहाँ पे मुझे दिख रहा है योर सोल इज़ गेटिंग एवेकेंट डे बाई डे, वो जागृत हो रहा है कहीं ना कहीं पे। यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ साइकिक डाउनलोड्स एवरी डे, इधर तो आपको सिंक्रोनिसिटी मैसेजेस दिखाई देते हैं, इधर तो कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, कुछ आवाज़ सुनाई देता है जो दूसरे को नहीं देता है, रात के समय पे कुछ फील होता है आपको, ठीक है, मॉर्निंग में कभी कभार मूड आपकी ख़राब हो जाती है, सो सम हाउ यू फील दैट देर इज़ अ कनेक्शन, ठीक है। आई डू फाइंड वन पर्सन, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, मे बी आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, सिर्फ आपके बिना उनका दिन तो, मे बी दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैसा बहुत ज़्यादा ढेर सारा कमा रहे हैं, सेटिस्फाइड भी है विद देयर फाइनेंशियल पार्ट, बट कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है उनकी लाइफ में बोर्डम है, सिर्फ खाना खाना, सो जाना, ऑफिस जाना या बिजनेस की काम करना, बट है तो कोई नहीं। सो दिस पर्सन इज़ रियली वरीड, ठीक है, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू थ्रू द फोन, बट शायद आप फोन अटेंड नहीं करे या नहीं करना चाहते क्योंकि आप शायद उतना उनको जानते नहीं हैं करीब से, पर ये इंसान आपको चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शंस आएगा टू ज्वाइन दिस कंपनी दैट कंपनी, या हो सकता है आपके पास ऑप्शंस इस तरह से आए कि आपको सब्जेक्ट्स चुनना पड़े फॉर योर स्पेशलाइजेशन। फॉर स्टूडेंट्स मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि स्पेशलाइजेशन के लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़े कि कौन सा फील्ड, कौन सा फाइनल सब्जेक्ट आप लेके स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, मास्टर्स, व्हाटएवर इट इज, डिप्लोमा तो नहीं बट मास्टर्स में एकदम सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्स क्या है। अभी तो पीजी डिप्लोमा भी हो चुका है, स्पेशलाइजेशन हो चुका है अभी। ओके, नाउ बेसिकली आई डू फाइंड दैट विद दिस पिक्चर, ये पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जुगनू, यहाँ पे दिख रहा है कैंडल, यहाँ पे दिख रहा है बटरफ्लाई, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट देयर समवन इज रनिंग, इट्स लाइक द नाइट ऑफ एंड्स, सो मच करेज, सो मच बोल्डनेस, और बहुत ज़्यादा एक जज्बा, एक जुनून कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, कुछ आशाएं जो पूरा होने वाला है। ये कैंडल जो है अभी भी जल रहा है, वो बुझा नहीं है, जब तक ये बुझेगा तब तक आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो भी फुलफिल होगा। मे बी यू डू कैंडल स्पेल, आप हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days आप कैंडल स्पेल कर रहे होंगे या कुछ स्पेल्स आप कर रहे होंगे, पॉजिटिव स्पेल्स, वो शायद रंग लाएगा। आई डोंट डू स्पेल्स एंड आई डोंट टेक स्पेल्स एज मोर इम्पॉर्टेंट, बट आई डू थिंक सो दैट कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं जो रियली में काम करते हैं, असर करते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग, जो जिसका बिलीफ है, मेरा जहाँ पे बिलीफ है मैं वहीं पे बोल देती हूँ बात को, ऐसा नहीं है कि स्पेल्स पे असर नहीं होता है या होता है। आई ओनली बिलीव इन हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, ये बात तो है, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों स्पेल्स ऐसा लगा कि येस मे बी यू आर डूइंग सम स्पेल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि नेगेटिव स्पेल्स कर रहे हैं आपके ऊपर ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वो कब्जा कर पाए, ठीक है, ग्रैब कर पाए, तो इसलिए हो सकता है। आई फेल्ट इन दिस मैनर, कुछ पॉजिटिव दिखा, कुछ नेगेटिव भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि येस इट कैन हैपन, सो बेटर बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पे भी देखो सम कैंडल्स आर देयर, राइट, ओके, सो बेसिकली मुझे दिख रहा है उस तरह का चीज़ है, और इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग गलत स्पेल्स कर रहे हैं बोल के आपकी बहुत ज़्यादा माइग्रेन, ठीक है, हार्ट में पैल्पिटेशन होता होगा, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, थोड़ा सा आपका डाइजेशन लेवल जो है, हजम जो शक्ति होता है वो कम हो रहा है,
आपको ज़्यादा रोना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जो आप डिज़र्व कर रहे हो वहाँ पे कम जा रहा है, ठीक है। उस तरह का कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ अगर आप देखें तो ज़रूर उसका समाधान करें, ठीक है। उसके लिए जो भी आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए होता है वो आप करें, ठीक है। जस्ट यूज़ होली वाटर, पवित्र पानी यूज़ करें, गंगा जल यूज़ करें, और जो भी आपके मज़हब में है सेज आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, यू कैन से दैट लोबन धूप यूज़ कर सकते हैं आप टू प्यूरीफाई योर एरिया, एंड नथिंग वी कैन डू मोर देन दैट, ठीक है, उस तरह से। एंड सॉल्ट तो है ही, और तो कुछ है ही नहीं। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट कि यस, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days, मैं नहीं बोल रहा कि नेक्स्ट 7 days में बहुत बड़ा टूर आपका हो जाएगा, बहुत ही बड़ा टूर, बट मुझे दिख रहा है दैट यू विल प्लान फॉर अ टूर, ओके, विद इन द अपकमिंग मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर आप बहुत बड़े टूर को प्लान करने वाले हैं, और जहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें होता होगा वो मुझे इतना तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट मी सी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मैंने आपको यही कहा कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखो, इट्स अ कोल्ड ऑल्सो, आपको लग सकता है कि आप अकेले हैं और कोई नहीं है आपके साथ, बट ये आप इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज यू कैन से दैट यू हैव मेड योर सेल्फ स्टक, आप खुद ने अपने आप को ना स्टक करके रखे हुए हो, सो डोंट फील लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है, वो आपकी वहम है कि आपके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है तो यूनिवर्स आपके साथ है ही। ईट लाइक अ हॉर्स, हो सकता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन के कारण कभी कभी हमारे ओवर ईटिंग भी हो जाता है, या आपके मन बहुत ज़्यादा खुश है बोल के आप ओवर ईटिंग कर रहे होंगे। विद इन द नेक्स्ट 7 days, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, किसी को आप ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह के पॉलिसी सेटअप कर रहा है कि दोनों के बीचों बीच में फासला क्रिएट कर रहे हैं ताकि यूनिटी बंद हो जाए। ब्लेजिंग सनसेट, हो सकता है कि आप कोई ऐसे जगह पे जाओ, देखो यहाँ पे भी सनसेट है, ठीक है, लेकिन सनसेट का पिक्चर आप लोग घर में रखना नहीं, ठीक है, ओके। सनसेट का वाला कोई जगह पे जाके विजिट करो। हिट द सैक, देखो कुछ ऐसी चीज़ है जो बार बार अटेम्प्ट करने से फेलियर जहाँ पे हो रहा है, अपने आप को डोंट गिव प्रेशर, ओके। लक्ष्मी जी आपकी ज़िंदगी में आते हुए तभी दिखाई दे रहा है जब आप उसको महसूस कर रहे हो, यस आई एम अबंडेंट, यस आई एम फुलफिल्ड, ठीक है, तभी आपकी ज़िंदगी में, जब आप शांत हो रहे हो, जब आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब आप पूरी तरह से लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे कि यस दिस इज़ गुड, कुछ अच्छा देखोगे तो अच्छा बोलोगे। 100% क्लैरिटी ऑन द पास्ट इशूज़, कुछ पास्ट ट्रॉमास आपके हैं, चाइल्डहुड चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, 100% मैंने आपको बताया था कि सोल इंट्रोस्पेक्शन, यू विल गो थ्रू सोल इंट्रोस्पेक्शन, खुद ब खुद आप अपने ही आत्मा के अंदर झांक के देखोगे विद इन द नेक्स्ट 7 days, एंड यू विल रियलाइज कि वो क्यों हुआ। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, आसपास जो हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है। बॉयल द ओशन, ये असंभव है, कुछ लोग आपके जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़े देर के बाद नहीं करेंगे। गेनिंग इंसाइट्स ऑफ योर सेल्फ, आई टोल्ड यू दैट येस यू विल नो योर सेल्फ वाट यू आर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट्स प्रॉपरली। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड ऑल मिरेकल्स आई डू हैव इन माई लाइफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड